एक इक्वेशन है कैरलेट इक्वेशंस का, ठीक है, इसका एक प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था, पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, फिर इस वाले टर्म में यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा अपना पी एक्स अपॉन में डी पी डी एक्स, ठीक है। ये देखो, पहले मैंने एक्स का डिफरेंशिएट किया, ठीक है, फिर अब यहाँ पे पी का डिफरेंशिएट किया, ठीक है ना, ये कर लिया। अब यहाँ पे पी वाले फंक्शन का, तो ये जाएगा टू पी डी पी अपॉन में डी एक्स, ओके, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था कि ये जो होता है हमारा पी होता है, तो इसकी जगह पे हम दोबारा पी लिख देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे पी से पी को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स डी पी अपॉन में डी एक्स प्लस टू पी डी पी अपॉन में डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे डी पी अपॉन में डी एक्स जो है कॉमन ले लो, तो जैसे मैं यहाँ पे कॉमन लूँगा तो ये टू पी डी पी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो एक्स इज इक्वल्स टू टू पी इज इक्वल्स टू जीरो, और एक डी पी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डी पी अपॉन में डी एक्स ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। फिर इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, तो पी इज इक्वल टू सी आ जाएगी हमारी वैल्यू, ठीक है। अब जो पी इज इक्वल टू सी आया, पी की वैल्यू अब कहाँ रख दो, इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन हो जाएगी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये अपना कॉलरेट सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ पे अगर आपको सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करते हैं, यहाँ पे पी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकलेगी, देखो पी की वैल्यू ये इस तरफ आके माइनस टू पी, ठीक है, और टू फिर यहाँ आ जाएगा, तो ये पी की वैल्यू जो आएगी हमारे पास ये आ गई, ठीक है ना, पी की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है हमको, जहाँ पे हमारे पास पी की वैल्यू है, इस वाले क्वेश्चन में पी की जगह पे ये दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, जैसे यहाँ पे पी की वैल्यू रखूँगा तो ये हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन में टू, देखो यहाँ पे पी की जगह पे है ना पी, अब यहाँ पे एक्स तो है ये, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे देखो पी स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स की एक्स स्क्वायर अपॉन में फोर, तो ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया।